गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कूलॉम्ब्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। पिछले टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि कूलॉम्ब्स लॉ को कैसे दो चार्जेस के बीच में लगाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास दो चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस हैं तो आप कैसे फोर्स को बताएंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर टोटल लग रहा है। तो उसके लिए ये फिगर है। यहाँ पर एक चार्ज Q1 है जिस पर हम दो चार्जेस Q2 और Q3 की वजह से यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसको डिफरेंस पॉइंट कहते हैं। इससे पोजीशन फैक्टर R1 से आप अब चार्ज Q1 को दिखाया गया यहाँ पे, और यहाँ पर Q3 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R3 वेक्टर है, और आपके चार्ज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है। यहाँ पर आप देखिए फोर्स जो कि आपके चार्ज 1 पर लग रहा है चार्ज 2 की वजह से, वो फोर्स 1 है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस सिमिलर है, इसलिए किधर होगी? सोर्स चार्ज से बाहर की तरफ। ऐसे ही यहाँ पर देखिए Q3 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? F13। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। अब यहाँ पर इस चीज को अगर हम देखें तो कूलॉम्ब्स लॉ को अगर हम फिगर 1 के लिए लिखें, किसके लिए? फॉर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F देखिए किस पे लग रहा है? Q1 पे। किसकी वजह से? Q2 की वजह से। तो क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन R। कौन सा वेक्टर हो गया? 2 से 1 की तरफ R21 वेक्टर R21² × R21। ऐसे ही ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 व्हिच इज ड्यू टू चार्ज 3 व्हिच इज Q3। Q1 पे Q3 की वजह से क्या होगा बेटा? F13 व्हिच इज इक्वल टू 1/4πε0 × Q1 Q3 बाई R31 वेक्टर स्क्वायर और इनटू R31 क्या? अब ये दो फोर्सेस हमको मिल गए हैं। किसकी वजह से? आपके दो चार्जेस की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है वो हमको मिल गया है। अब हमें एक इस पे कितना कुल फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? क्योंकि फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए टोटल फोर्स जो इस पे लग रहा है वो क्या होगा? वेक्टर सम होगा इन दोनों फोर्सेस का। दैट इज फोर्स ऑन टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज गिवन बाय F1 व्हिच इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। इसकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। जब इसकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1/4πε0 ये दोनों में कॉमन है, और Q1 Q2 आपका यहाँ पर और यहाँ पर Q1 Q3 है। इसको ऐसे लिख लेंगे Q1 Q2 अपॉन R, देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर ऑन इंटू R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R31² × R31 कैप। ये जब हमारे पास दो चार्जेस हैं उनकी वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा फोर्स F1, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये फोर्स इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर है। इसको कैसे निकालेंगे? अगर हमें आपको तो याद हो तो यहाँ पर ये जो आप पॉइंट को अगर यहाँ पर ले लें कि ये ओरिजिन है, तो एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है। तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम ना लगाएं F1 निकलेगा। F1 किसके बराबर होगा? इन दोनों वेक्टर्स के डायगोनल पे। अगर पैरेललोग्राम बनाएं तो इसके डायगोनल पे मिलेगा आपको F1, एंड F1 इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस
किसके बराबर होगी? अब बेटा अगर यहां पर n चार्जेस हैं, इफ देयर आर n चार्जेस, तो इसी फॉर्मूले को हम जनरलाइज कर लेंगे, और अगर हम इसको जनरलाइज करें तो क्या मिलेगा हमको? f वन वेक्टर विल बी इक्वल टू f वन टू प्लस f वन थ्री प्लस f वन फोर प्लस अप टू f वन n। और यहां पर आप देखेंगे कि जो वैल्यूज आपको मिलेंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन r सब में हम तो कॉमन हो जाएगा बेटा। सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां पर वेक्टर से एंड यहां पर क्या पॉइंट चेंज होती जाएगी, q1 q2 अपॉन r 21 स्क्वायर इनटू आर 21 कैप प्लस q1 q3 अपॉन